नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम सत्तू वाला रोटी बनाएंगे, तो उसके लिए हमने सत्तू ले लिया है, मंगरेल जवाइन ले लिए हैं, अदरक लिए हैं, काला नमक, लहसुन, प्याज, हरा मिर्चा और 1.5 कटोरी आटा लिए। तो चलिए अब हम इसे मिक्स करके मंगरेल जवाइन, अदरक, लहसुन, हरा मिर्चा और प्याज और काला नमक अभी से हम मिक्स कर लेते हैं सबको। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। गैस जलाकर तवा गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब चलिए हम सत्तू वाली पराठा बनाते हैं। थोड़ा सूखा आटा के सहारे इसे हम बेलेंगे। ये बहुत खस्ता पराठा लगता है और हर चीज़ का स्वाद देगा आपको। इसमें थोड़ा तेल डाल देते हैं। इसी तरह का हम पराठा बनाते हैं। चलिए एक लोई और दिखा देते हैं आपको। हर सवा से भरपूर रहेगा यह पराठा, आपको सब्जी का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सत्तू वाली पराठा ही बहुत अच्छा बन गया है, इसे आप लोग भी बनाइएगा। फिर दूसरा इसमें डाल देते हैं। इसी तरह का हम पूरा पराठा को बना लेते हैं। ये मेरा सत्तू वाला पराठा बनकर तैयार हुआ। अब चलिए हम आप लोग के साथ सर्व कर देते हैं। सब्जी के साथ आप लोग सर्व कीजिए
और इस तरीके को अपनाइए, ये बहुत अच्छा तरीका है बनाने में और खाने में भी और स्वादिष्ट भी बनता है। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने परिवारों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।